हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन एट माय एग्ज़ाम सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो का आपका जो है MPS 04 का ही एक चैप्टर है, विकेंद्रीकरण तथा सहभागिता। इसमें जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जा सकते हैं आपके। विकेंद्रीकरण क्या होता है, सहभागिता की क्या अवधारणा है और इनकी विशेषताएं क्या हैं, विकेंद्रीकरण के प्रकार, ये सब चीज़ें जिन पे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो चीज़ें मैंने ऐड। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आप वीडियो को जो है एंड तक देखेंगे, आपका पूरा चैप्टर मैंने इसमें कवर किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पता चल जाएंगे और सारे टॉपिक्स आपके इसमें क्लियर किए जाएंगे। और इसके अदर आपको जो है एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए आप हमसे नोट्स ले सकते हैं। आपका चैप्टर नेम है विकेंद्रीकरण और सहभागिता। तो सबसे पहले इसमें विकेंद्रीकरण क्या है, विकेंद्रीकरण की क्या अवधारणा है, विकेंद्रीकरण की क्या अवधारणा है इसके बारे में पहले हम पढ़ेंगे। विकेंद्रीकरण में राष्ट्रीय सरकार से नीचे स्तरों तक शक्ति व उत्तरदायित्व का हस्तांतरण करना समझा जाता है, जैसे क्षेत्रीय नगर पालिका, पंचायत और स्थानीय। तो विकेंद्रीकरण, यहाँ पे विकेंद्रीकरण को बताया गया है जब सरकार की शक्तियों को जो है एक नीचे स्तर पे हस्तांतरित कर दिया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं एक नीचे स्तर पे या फिर अलग अलग स्तर पे बांट दिया जाता है, तो उसे हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण में राष्ट्रीय सरकार के जितनी भी शक्तियाँ हैं, यानी कि वो जिन जिन चीज़ों को संभालती हैं, सरकार को जो है पूरा देश चलाने की और उनके लिए कानून नियम बनाने की सबको जो है अधिकार होता है सरकार को, अब वो इसी शक्तियों को जो है अलग अलग स्तर पे बांट देती हैं, और जैसे कि नगर पालिका बना देती हैं, गांव के इलाकों में जो है पंचायत बना दी जाती हैं, स्थानीय सरकारें कई जगह बना दी जाती हैं। तो ये सब चीज़ें जो है शक्तियों का यहाँ पर हस्तांतरण हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं विकेंद्रीकरण हो गया है, इसी को हम कहते हैं विकेंद्रीकरण। जो शक्तियों का हस्तांतरण होता है सरकार के निचले स्तर पे, इसको हम कहते हैं विकेंद्रीकरण, यानी कि शक्तियों को जो है एक केंद्रित कर दिया है, एक जगह पे बांट दिया। तो ब्रायन स्मिथ ने तीसरे विश्व में आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास के लिए विकेंद्रीकरण को आवश्यक स्थिति माना है। ब्रायन स्मिथ कहते हैं कि विकेंद्रीकरण जो है हमारे देश के विकास के लिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विकास के लिए यहाँ पे विकेंद्रीकरण ज़रूरी है उसको करना, यानी कि अगर हम सरकार जो है हर क्षेत्र में जो है इतना नहीं देख सकती है, तो इसके लिए वो क्या करती है, कुछ नगर पालिका बना देती है, पंचायत बना देती है, जो कि इन इलाकों को संभालते हैं। तो अगर इन इलाकों में जो है शक्तियों को बांट दिया जाता है, ये सब संभालते हैं, तो वहाँ के छोटे क्षेत्रों में जहाँ तक सरकार की पहुँच नहीं है, वहाँ पे ये सब चीज़ें या फिर ये सब जो पंचायत होगी सारे मुद्दे देखें। केंद्रीय नियोजन की अपेक्षा, यहाँ पे मतलब ब्रायन स्मिथ के द्वारा ही यहाँ पे विकेंद्रीकरण के क्यों ज़रूरी है हमारे लिए उसके बारे में बताया गया है। केंद्रीय नियोजन की अपेक्षा स्थानीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विकेंद्रीकरण अधिक प्रभावी है। जो केंद्रीय शक्तियाँ नहीं कर सकती हैं उन्हें स्थानीय शक्तियाँ कर लेती हैं, जो छोटे स्थानों पे जो भी मुद्दे होते हैं उन्हें जो है ये विकेंद्रीकरण द्वारा देखा जाता है। निर्धनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप है, यानी कि जो भी गरीब लोग हैं उन तक भी इनकी पहुँच होती है। नगर पालिका जो है जितने भी उस इलाके के जितने भी निर्धन लोग होंगे उसके बारे में सोचे कि उनके मुद्दों को उठाएगी, वह राजनीति में ग्रामीण निर्धनों की सहभागिता को प्राप्त कराता है, यानी जो भी ग्रामीण निर्धन हैं उनको जो है पॉलिटिक्स में उनका इन्वॉल्वमेंट बनाता है, उनके लिए क्या किया जाना चाहिए ये सरकार तक पहुँचाते हैं विकेंद्रीकरण। तो ये इसमें जो है हेल्प हो जाती है कि निर्धनों को यहाँ पर सहायता मिल जाती है और निर्धनों का इन्वॉल्वमेंट राजनीति में बढ़ जाता है। जनता की राजनीतिक शिक्षा के उद्देश्यों को पूरा किया है, यानी कि जनता में जितने भी लोग हैं जिन पे जो है राजनीति के बारे में जिन्हें नहीं पता है, तो उनको भी जो है उस वो शिक्षा देती है राजनीति में जो है कितने भी हमारी नीतियां बनाई जाती है। तो ये सब जो है हमें नगर पालिका और पंचायतों द्वारा भी पता चलती रहती है, और हमें जो है हमारे पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है ये सब इंफॉर्मेशन हमें मिलती रहती है। नगर पालिका, पंचायत और स्थानीय जो है ये इन्फॉर्मेशन जनता तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाती है। राष्ट्रीय एकता को सशक्त करते हैं विकेंद्रीकरण, यानी कि जो नगर पालिका, पंचायत और स्थानीय शासन जो हैं ये राष्ट्रीय एकता को किस प्रकार से जो है सशक्त कर रहे हैं, यानी ये लोगों को यहाँ पे जोड़ते हैं, लोगों को जो है ये बताते हैं कि हमें राजनीति में जितने भी नेता हैं वो हमारे लिए काम कर रहे हैं और हम जो है उनकी तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, अपने जो भी वो कानून नियम बना रहे हैं उनमें भी हम अपना इन्वॉल्वमेंट दे सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के ज़रिए क्या हो रहा है, राष्ट्रीय एकता हो रही है,
यानी कि सभी लोग जो है जुड़ रहे हैं। तो ये विकेंद्रीकरण के द्वारा जो है ये सब चीज़ें संभव हो सकती हैं, ब्रायन स्मिथ ने ये कहा है। विकेंद्रीकरण की क्या अवधारणा है ये आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, अगर इसकी डेफिनेशन आपसे पूछी जाती है ये आप लिख सकते हैं और इसको थोड़ा और डीपली जानते हैं विकेंद्रीकरण के प्रकार द्वारा, प्रकार पे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। तो विकेंद्रीकरण जो होता है कितने प्रकार का होता है, राजनीतिक यहाँ पे सबसे पहले होता है राजनीतिक, उसके बाद प्रशासनिक और वित्तीय, ये तीन प्रकार का विकेंद्रीकरण यहाँ पे किया जाता है, यानी शक्तियों को इन तीन जगहों पर बांटा जाता है। राजनीतिक सरकार में क्या होता है, राजनीतिक सरकार के नए तथा वर्तमान स्तर के बीच राजनीतिक संबंध और उत्तरदायित्व को निम्न स्तर अधिकारियों की शक्ति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी कि राजनीतिक सरकार में जितनी भी हमारे स्थानीय जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ पे जो सरकारें होंगी उनमें शक्ति बढ़ जाएगी और उनकी शक्ति को हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे उनको जो भी शक्ति बांटी गई है उनको किस तरह से बढ़ाएंगे हम, इसके बारे में राजनीतिक सरकार में बात की जाती है। और प्रशासनिक इसका क्या है, प्रशासनिक में प्रशासनिक विकेंद्रीकरण की विशेषता है केंद्रीय सरकारी कार्यालयों तथा स्थानीय समुदायों या क्षेत्रों में आधारभूत संरचना की स्थापना। यहाँ पे प्रशासनिक यानी कि अब प्रशासन जो है यानी कि जो हमारे जितने भी देश को चलाने की जितनी भी ताकत थी प्रशासन था जो, अभी स्थानीय क्षेत्रों में यहाँ पे बांट दिया जाता है, तो प्रशासनिक यहाँ पे जो है एक क्षेत्र। वित्तीय क्या है, यहाँ पे वित्तीय विधिक विकेंद्रीकरण तब होता है जब आर्थिक स्रोत स्थानीय अधिकारियों में हस्तांतरित होते जाते हैं, यानी कि वित्तीय स्रोत यानी कि जितने भी हमारे सुविधाओं कुछ भी सुविधाएं देने के लिए लोगों को क्या खर्चा किया जाना है, अब ये जो है हमें स्थानीय क्षेत्रों में भी बांटना पड़ता है कि क्या कितना खर्चा किया गया है और कितने खर्चे हमें जो है उनको उनके नगर पालिका को दिया जाता है ताकि वो अपने क्षेत्र के लोगों का जो है चीज़ें कर सके, इसलिए जो है वित्तीय यहाँ पे हस्तांतरण हो जाता है, जो वित्त होता है अलग अलग शक्तियों में यहाँ पे हस्तांतरित हो जाता है, इसलिए हम इसे कहते हैं वित्तीय विधिक विकेंद्रीकरण। ये तीनों प्रकार आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे, इसके यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में बताया है स्टूडेंट, और अगर आपको उसकी फुल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो ये नोट्स में आपको मिल जाएगी। अब सहभागिता क्या है, यहाँ पे विकेंद्रीकरण हमने समझ लिया, सहभागिता की क्या अवधारणा है, तो यहाँ पे सहभागिता को हम जो है दो परिप्रेक्ष्य में देखा जाता है हमेशा, प्रजातंत्र परिप्रेक्ष्य और जो है विकास परिप्रेक्ष्य। विकास परिप्रेक्ष्य क्या है, यहाँ पे इसमें जो है मतलब कि मैं आपको ये ऐसे एक्सप्लेन कर देती हूँ, विकास परिप्रेक्ष्य में ये देखा जाता है कि विकास जो है हमें कैसे किया जाना है। पहली बात, विकास यहाँ पे विकास की अवधारणा को कैसे बताया गया है, विकास जो है यहाँ पे वास्तविक प्रक्रिया में लोग बहुत कम सहभागिता में लाभान्वित होते थे, विकास को अधिकतर उनके शारीरिक सुविधा में सुधार को समझा जाता है, यानी कि उनके शारीरिक सुविधा में किस प्रकार से हम जो है सुधार कर सकते हैं, उनकी घर सड़क और पेयजल सुविधा को जो है अच्छा करके, उनके जो है पानी पीने की सुविधा या सड़क का निर्माण करके, ये सब जो है विकास हम इस तरह से देखते हैं। तो विकास में अब जो है लोगों का क्या इन्वॉल्वमेंट है, क्या सहभागिता का मतलब होता है, क्या वो जो है अपना इन्वॉल्वमेंट देते हैं, और विकास में लोगों का इन्वॉल्वमेंट की भी यहाँ पर बात की जाती है। तो सहभागिता जो है अब हमें बताती है कि विकास में लोग जो है किस तरह से अपना जो है इन्वॉल्वमेंट देते हैं, पहले जो है लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें, सरकार जो भी तय करती थी उसके हिसाब से सब कुछ होता, पर 1971 के आरंभ में इस मॉडल को ऊपर नीचे के रूप में स्थापित किया और इसकी आलोचना की गई, मतलब ये जो मॉडल था इसमें जो है सरकार ही सारे कार्य करेगी सुविधा के जो भी, और इसमें लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो इसे ऊपर नीचे का जो है अवधारणा दी गई थी इस मॉडल को। ऊपर नीचे से इसलिए कहा गया था क्योंकि यहाँ पे जितने भी वो सुविधाएं जो दी गई थी उसके अनुसार जितने भी लाभ हो रहा था वो कभी ऊपर होता था कभी नीचे होता था, इसलिए इसे ऊपर नीचे के रूप में स्थापित किया और इसकी आलोचना की गई, और ये निष्कर्ष फिर निकला कि सभी समस्याओं का जन्म इसलिए हुआ क्योंकि विकास प्रक्रिया से लोग अलग होते आए हैं और उन्हें सिर्फ लाभकर्ता के रूप में समझते हैं। यहाँ पे मतलब ये बताया गया कि जो सहभागिता
में, या फिर जो विकास क्यों नहीं हो पा रहा है हमारे देश में, क्यों ये जो है ऊपर नीचे का इसे अवधारणा दी गई है, क्योंकि यहाँ पे लोगों का जो इन्वॉल्वमेंट है वो नहीं है, और लोग जो है इसे सिर्फ लाभ समझते हैं कि हमें जो है सिर्फ लाभ होना चाहिए और अपना कुछ भी इसमें जो है सहभागिता नहीं देते हैं। तो यहाँ पे 1970 के बाद से इसमें जो है लोगों को भी जो है इसके लिए कार्य करना चाहिए। हर कोई भी विकास हो रहा है या कोई भी जैसे आंदोलन किए जाते हैं, पर्यावरण है, अब इसके लिए सिर्फ सरकार ही काम करेगी तो इस जो है हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। पर हर एक व्यक्ति अगर सोच लेगा कि मुझे अपने पर्यावरण को बचाना है, हर व्यक्ति जो है इसके लिए आगे आएगा, हर व्यक्ति जो है ये सोचेगा कि हमें पेड़ नहीं काटना है, तभी जाके जो है सभी के द्वारा जो है ये संभव हो पाएगा, हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे। तो ये सिर्फ सरकार द्वारा ही ये सब चीज़ें नहीं पॉसिबल हो सकती, हर व्यक्ति को जो है इसमें अपना सहभागिता देनी पड़ेगी। इसलिए इसे कहते हैं सहभागिता की अवधारणा, हर व्यक्ति जो है इसमें अपना सहभाग देगा। और इसके अलावा सहभागिता की एक और अवधारणा है, इसको हम समझ सकते हैं प्रजातंत्र परिप्रेक्ष्य। प्रजातंत्र परिप्रेक्ष्य क्या है यहाँ पे? ये सरकार और लोगों के बीच की खाई को कम करने के लिए है। पारंपरिक रूप से प्रजातंत्र वास्तविक से अधिक प्रक्रियात्मक रहा है। नियमित चुनाव अधिकार, बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता सभी को होती है, परंतु लोगों को इसमें सहभागिता ना होने के कारण ये विकसित और विकासशील देशों में सरकार की वैधता को प्रभावित करता है। इसलिए सहभागिता की भूमिका महत्व रखती है, जिससे सरकार और लोगों के बीच संबंध बना रहता है। प्रजातंत्र परिप्रेक्ष्य में जो है लोगों और सरकार को जोड़ने की बात यहाँ पर की गई है, यानी कि लोग जो हैं उनको हर चीज़ का अधिकार है, चुनाव देने में खड़े होने का अधिकार है, और बोलने का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, न्यायपालिका की आवश्यकता सबको होती है। तो यहाँ पे प्रजातंत्र परिप्रेक्ष्य में ये सब अधिकार होने के बाद भी अगर लोग जो है इसमें अपना इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाते हैं तो उस देश का जो है विकास नहीं होता है, और उस देश की सरकार और लोगों के बीच जो है यहाँ पर फासला बढ़ता रहता है, और इसका असर जो है विकसित और विकासशील देशों में सरकार की वैधता को प्रभावित करता है, यानी कि सरकार की शक्ति को जो है यहाँ पे प्रभावित करता है। इसलिए ज़रूरी है यहाँ पे कि लोग जो है चुनाव दें, चुनाव में खड़े हों, या फिर जो भी चुनाव में खड़ा हो रहा है उनको वोटिंग करें, अपने अनुसार सरकार चुने। अगर उन्हें कुछ गलत लगता है, कोई गलत नीतियाँ बनाई जा रही हैं, तो उसमें अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाए। ये सब चीज़ें अगर लोगों द्वारा की जाती हैं, अगर सहभागिता दी जाती है सरकार द्वारा भी और लोगों द्वारा भी, तो यहाँ पे जो है एक जो खाई है लोगों और सरकार के बीच, ये सब हटा दी जा सकती है और या फिर इनको कम कर दिया जा सकता है। तो प्रजातंत्र परिप्रेक्ष्य में जो है लोगों की सहभागिता यहाँ पे ज़रूरी है, ताकि जो है सरकार और लोगों के बीच की खाई को मिटाया जा सके। तो विकास में भी लोगों की सहभागिता ज़रूरी है और प्रजातंत्र में भी। अब जो है इम्पॉर्टेंट आपको जो यहाँ पे पूछा जाता है, सहभागिता की विशेषताएं क्या है, या फिर इसके लाभ, आपका टॉपिक था ये बुक में कि सहभागिता के लाभ क्या है, यहाँ पे उसी का जो है मैंने सहभागिता की विशेषताएं ऐड करी है इसमें। इसको आप लाभ करके भी लिख सकते हैं, या इसमें और चीज़ भी आप अपनी तरफ से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो सहभागिता की क्या विशेषताएं हैं, ये तो हमें जो है सहभागिता का अर्थ पढ़ते ही समझ में आ गया होगा कि हर किसी का जब इन्वॉल्वमेंट होगा किसी चीज़ में, तभी जो है हम विकास कर पाएंगे या फिर हमारी जो है सरकार चल पाएगी। यहाँ पे लक्ष्य समूह द्वारा पूर्व निर्धारित परियोजना के लिए योगदान देना, यानी कि सहभागिता की ये विशेषता है कि यहाँ पे सभी लोग जो है एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपना योगदान देते हैं, या सभी को जो है अपना योगदान देना चाहिए, तभी जो है वो लक्ष्य पूरा हो पाएगा। बातचीत या निर्णय प्रक्रिया कौशल के माध्यम से सुधार, जो लोगों की क्षमता को बढ़ाता है और स्थानीय शक्ति संरचना को परिवर्तित करता है। यहाँ पे जो है हर व्यक्ति को उसका इन्वॉल्वमेंट बढ़ाने के लिए उसको कौशल दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि वो अपने आप को डेवलप्ड कर सके और अपनी सहभागिता बढ़ा सके। इसलिए स्थानीय शक्ति संरचना को यहाँ पे जो है परिवर्तित किया जाता है। संगठन जो विकास कार्यकर्ताओं समर्थित होते हैं, और कुछ संगठन जो बना दिए जाते हैं ताकि हमारे विकास में जो है समर्थित हो। इसलिए जो है सहभागिता तभी पॉसिबल हो पाएगी जब सभी लोग मिलकर जो है अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, राजनीति में भी और विकास में भी। तो स्टूडेंट, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सहभागिता क्या होता है और विकेंद्रीकरण क्या होता है। तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, आप इजीली इसका आंसर दे देंगे। और इसका अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आप किस तरह से दे सकते हैं, उसके नोट्स चाहिए आपको, तो वो आप
आपको मिल जाएंगे। व्हाट्सअप पर DM करके आप जो है हमसे नोट्स भी ले सकते हैं, और कुछ भी डाउट होता है स्टूडेंट वो भी आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इसका रिव्यू भी आप दे सकते हैं। आपको यहाँ तक वीडियो समझ में आया हो, आपको अच्छा लगा हो, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और आप कमेंट में आप हमें अपना नेक्स्ट टॉपिक भी बता सकते हैं। स्टूडेंट अगर आपको आपके एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए आपको ऑनलाइन क्लासेस चाहिए, यानी कि आपको पूरी एग्ज़ाम प्रिपरेशन उसमें कराई जाएगी, आपके सभी चैप्टर्स आपको क्लियर करवाए जाएंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि आपके एग्ज़ाम में आ सकती है, तो इसमें आप अगर इंटरेस्टेड हैं तो उसकी भी ऑनलाइन क्लासेस आप हमसे ले सकते हैं। और इन्फॉर्मेशन इसकी अगर आपको चाहिए, व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे आपको दिया हुआ है, इस पर DM करके आप जो है ये सारी इन्फॉर्मेशन हमसे ले सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।